हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने साड़ी से ब्लाउज का पीस निकाला हुआ है। ये पीस 80 सेंटीमीटर का है। तो चलिए ब्लाउज की कटिंग करना शुरू करते हैं। बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले इस तरह से डबल परत कर लेना है। जैसे ये चौड़ाई है तो चौड़ाई में हमें कपड़े को डबल परत कर लेना है। डबल परत करने के बाद पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 14.5 इंच रखना है। आधा इंच हम यहाँ छोड़ देंगे। इसमें हमें, ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसमें हमारा अंदर आधा इंच ही फोल्ड होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो हम आधा इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद 14.5 इंच पे हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। 1 इंच से 3 पॉइंट हमारा कम रहेगा। यहाँ पे हम तीरे के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद दोनों साइड में हम सीधी रेखा खींच देंगे। इस तरह लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम ब्लाउज के फिटिंग का निशान लगाएंगे। जैसे हमारा आगे और पीछे का पार्ट अलग अलग कटता है तो हमारा चौथाई भाग, जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो हमें यहाँ चौथाई भाग रख के ही इसकी कटिंग की जाती है। जैसे चेस्ट का नाप हमें 38 इंच रखना है तो हमारा आगे और पीछे वाला पार्ट 19-19 इंच का रहेगा। और हमें जब एक पार्ट हम निकालेंगे, आगे या पीछे का हमारा जो भी पार्ट रहेगा वो हमारा फोल्ड करने के बाद यहाँ चौथाई भाग रखेंगे हम उसका। तो 38 इंच का चौथाई भाग 9.5 इंच होता है यहाँ। तो यहाँ हमको 9.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और बाकी 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही हम एक्स्ट्रा रख लेंगे जो हमारा सिलाई के लिए रहेगा। अगर हम कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो इसमें हमें ढीला या टाइट करने में आसानी रहती है। अब हम कमर का नाप रखेंगे। कमर 34 इंच है तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच पे हमें यहाँ नीचे निशान लगा लेना है। हम पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो पीछे वाले पार्ट में यहाँ हम चौथाई भाग का निशान लगाने के बाद 1 या 1.5 इंच जो पीछे के साइड हमें प्लेट डालना रहता है हम उसका भी निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और बाकी 2 इंच और कपड़ा ले लेंगे इसमें। इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने निशान लगा लिया है। यहाँ फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तीरे में हमारा पहले 2.5 इंच का गला रहेगा और 3.5 इंच का कंधा रहेगा। साढ़े 6 इंच पे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ आर्म होल की गुलाई देने के लिए हम 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे इस तरह से 3 पॉइंट और इसको गुलाई दे देंगे। पीछे का गला हमारा 7 इंच रहेगा। सात इंच पे निशान लगाया हमने। आधा इंच हम और ले लेंगे। आधा इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ।
और इस तरह से चौकोर कर देंगे इसको। इसमें हम गोल गला बनाएंगे तो इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पे आधे इंच का शेप देंगे कंधे के लिए, आधे इंच का निशान लगाएंगे जो हमारा कंधे को शेप देने के लिए होता है। इस तरह निशान लगाने के बाद इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, अब हम फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। आगे वाला पार्ट निकालने के लिए जिस तरह हमने पीछे वाले पार्ट को फोल्ड किया था उसी तरह से इसको भी फोल्ड करके रख लेंगे और जो हमने पीछे वाला पार्ट की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमारा बेल्ट नहीं लगेगा और ना ही प्लेट्स पड़ते हैं, तो हम इसे जितनी ब्लाउज की लंबाई रहती है उतनी रखते हैं। आगे वाले पार्ट में हमारा बेल्ट भी लगता है और प्लेट्स भी पड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ 2 इंच के लगभग एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम 1.5 इंच से 3 पॉइंट ज़्यादा कपड़ा रख लेते हैं और यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको हम बराबर में मिला लेंगे ताकि कंधा इधर इधर उधर ना रहे और गले का जो शेप हमारा 2.5 इंच का है वो बना रहे। इस तरह से यहाँ भी निशान लगा लेंगे। आगे का गला हमारा 6 इंच है तो हमारा जो पीछे वाला गला है वो बड़ा है, इसलिए हम आगे वाले गले का निशान लगा के यहाँ कटिंग करेंगे। 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 1/2 इंच से ज़्यादा हमारा रहेगा, 6.5 से 3 पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह हमने गले का निशान लगा लिया। अब पहले हम कटिंग कर लेंगे, बाद में हम गले का निशान लगा के इसकी बाद में कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट में गले का निशान लगाएंगे और शेप का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 2.5 इंच पे जैसे यहाँ निशान लगाया है यहाँ भी निशान लगा लेंगे। चौकोर कर लेना इसको, यहाँ गोलाई दे देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच का शेप के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ हमने 1/2 इंच का शेप के लिए निशान लगा लिया। इस तरह से इसको हम गोलाई दे देंगे। गले की कटिंग कर लेंगे और शेप का जो निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। गले का निशान और शेप का निशान लगाने के बाद, इसकी कटिंग करने के बाद, अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। जैसे फिटिंग 38 इंच है पूरी फिटिंग, तो उसका चौथाई भाग हमें यहाँ रखना है 9.5 इंच। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। कमर 34 इंच है तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच पे रखना होगा। साढ़े आठ इंच पे हम निशान लगा लेंगे, बाकी 2 इंच थोड़ा सा और 3 पॉइंट ले लेते हैं।
सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचेगा हम उसको काट के निकाल देंगे। बाकी 2 इंच जो यहाँ कपड़ा है हम उसको सिलाई के लिए रखेंगे। पीछे वाले पार्ट में हमारा यहाँ जो पीछे प्लेट्स पड़ता है इसलिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग करते हैं। आगे वाले पार्ट में हमारा प्लेट्स नहीं पड़ता तो हम जितनी फिटिंग रहती है उसको रख लेते हैं और एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है उसको लेके 2 इंच लेते हुए हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक निशान लगा लेना है फिटिंग का। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है इसको हम काट के निकाल देंगे। बेल्ट वाले ब्लाउज में कटिंग करने के लिए हम जैसे इसका नाप रखते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ का बेल्ट निकालते हैं। जैसे ये 38 इंच का नाप हम रखे हैं तो इसमें हमें बेल्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो 6 इंच रखना है पूरा। अगर हम 32 इंच का ब्लाउज का नाप रखेंगे तो ये हमें ऊपर का पार्ट हमें 5 इंच पे निशान लगाना होगा। अगर हम 40 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे तो इसको हमें 6 इंच से ज़्यादा 6.5 या 7 इंच पे इसको निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से नाप के हिसाब से हमारा ये ऊपर वाला जो बेल्ट की कटिंग होती है यहाँ से उसकी कटिंग की जाती है। तो हमारा ये 38 इंच का नाप है तो यहाँ पे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा जो 3 या 3.5 इंच पे प्लेट्स डालने के लिए निशान लगता है और थोड़ा सा फोल्ड भी होता है इसीलिए हमें 6 इंच पे निशान लगाना होता है। जैसे 32 इंच का जब हम ब्लाउज बनाते हैं 32 इंच चेस्ट का नाप होता है तो हम उसे 5 इंच पे रखते हैं, उसमें भी थोड़ा प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जो कि अंदर फोल्ड हो जाता है कपड़ा। इस तरह यहाँ हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। नीचे का चेक कर लेंगे, नीचे 4.5 इंच आ रहा है तो उसे 1 इंच कम रखते हुए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 4.5 है तो 3.5 इंच पे यहाँ रहेगा। 3 पॉइंट थोड़ा सा हल्का हमें गोलाई लेते हुए ले जाना है इसको। ये हल्का सा हम गोलाई देते हुए इस तरह बेल्ट का निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए इस तरह से ब्लाउज के कपड़े से दूसरे साइड का जो किनारा है उसे हम निकाल लेंगे और इसमें जो बाजू का बॉर्डर होगा उसको लेके आएंगे। बाजू का जो बाजू में लेस जहाँ लगता है उस जगह हम इस बॉर्डर को लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को डबल परत पहले हमने कर लिया है, इसको अब हम 4 परत में फोल्ड कर लेंगे। हमारा दोनों बाजू एक साथ ही ताकि निकल आए। बाजू के आगे वाले पार्ट में हमें इस तरह से अंदर फोल्ड करने के लिए तुरपाई के लिए कपड़ा नहीं छोड़ना है क्योंकि ये पहले से इसमें बॉर्डर बना हुआ है तो इसमें हम 1/2 इंच छोड़ देंगे ताकि अस्तर जब हम यहाँ सिलाई करेंगे बस 1/2 इंच हमारा अंदर फोल्ड होगा। तो हम 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से लंबाई का निशान ले लेंगे। इस तरह हमारा 7 इंच पे है और बाकी जो 3 पॉइंट या 1/2 इंच का जो भी मार्जिन छूट रहा है हम उसको सिलाई के लिए रख लेंगे। ऊपर 7 इंच है, हमें यहाँ नीचे 5 इंच का रखना है। 2 इंच हम यहाँ से कम रखेंगे। जैसे आर्म होल 6 इंच है तो हम उससे 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके रखते हैं। तो ये हमारा 6 इंच है, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा है तो हम 1.5 इंच रख लिए हैं।
सिलाई मार्जिन है हमारा 1.5 इंच। इस तरह यहाँ जब हम निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे निशान लगा है हमारा, तो जो यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट है इसको लेते हुए यहाँ हमें मिला देना है। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बाजू को हम अलग कर देंगे, आएंगे जैसे बाजू की फिटिंग 12 इंच है तो हम यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे। बाकी हमारा 1.5 इंच हमारा मार्जिन आ ही रहा है तो हम यहाँ कटिंग नहीं करेंगे, 6 इंच हमारा यहाँ हो जाएगा और 12 इंच का हमारा फिटिंग, बाजू की फिटिंग तैयार हो जाएगी। इस तरह हम खोल लेंगे इसको, यहाँ आधा इंच, यहाँ आधा इंच का निशान लगाते हुए शेप का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा आगे और पीछे वाला पार्ट जो होता है उसकी कटिंग हो गई है और जो बाजू है इसकी भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम अस्तर निकाल लेंगे। अस्तर निकालने के लिए अस्तर को पहले अच्छे से फैला लेंगे और जो ये कपड़ा है उसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग करने के लिए अस्तर को धुल के प्रेस कर लेना है और जो कटिंग पहले से हमने कपड़ा किया है उसको अस्तर के ऊपर रख के कटिंग कर लेनी है। जिस तरह हमने बैक पार्ट के अस्तर की कटिंग की है उसी तरह हम आगे वाले पार्ट के अस्तर की कटिंग और बाजू के अस्तर की कटिंग भी कर लेंगे। हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अस्तर की कटिंग करने के बाद हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें जो प्लेट्स के लिए निशान लगाने हैं जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम उसी समय प्लेट्स के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो हमारे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।